भाई अभी रास्ते में रुके हैं, ये कोई यहाँ पे तो इस पॉइंट पे रुके हैं। काफ़ी देर हो गई थी, सुबह ही खाना खाया था 10 बजे के आसपास, तो कुछ खाएंगे यहाँ खा के फिर निकलते हैं। कैची धाम का रास्ता रह गया 1 घंटे का, तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ, फिर रुकेंगे यहाँ नैनीताल पहुँच जाएंगे। क्या बताया आज नैनीताल रुक भी जाए और ना भी रुके, अभी कुछ पक्का कन्फर्म है नहीं रुकने का, तो देखते हैं भाई आगे का रास्ता। तो बढ़िया है यहाँ का, लेकिन कई जगह है ना कैची धाम के वहाँ तो बहुत बुरा रास्ता है। रुका हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई अभी आए हम कैची धाम पहुँच, ये बताते हैं यहाँ का जो हनुमान जी थे उनका भगत है कोई, और इनकी काफ़ी स्टोरी है, मैंने भी सुना था पहले, हम भी तभी आए हैं। भीड़ है लेकिन यहाँ वहाँ से ज़्यादा, गोलू टेम्पल गए थे ना वहाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी भीड़ हो रखी है, पार्किंग वार्किंग है। अभी देखते हैं भाई, पहली बार आया हूँ अभी, ये कुछ कैची धाम है यहाँ, ये वाला है, अंदर देखते हैं, अंदर की फुटेज कुछ बनाने देंगे तो बनाते हैं, अभी फिलहाल हम भी चलते हैं अंदर ही। भाई भीड़ पूरी है यहाँ, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे एंट्री है, यहाँ यहाँ से अल्मोड़ा से वापस जब हम आए जब आना पड़ा है उस दिन काफ़ी भीड़ थी, मतलब लेट पहुँचे थे, हम रात को आए थे उस दिन यहाँ, तो इसलिए हमारे दर्शन नहीं हो पाए, आते वक्त आए हैं और अल्मोड़ा से हमें लग गए यहाँ तक 2 घंटे का रास्ता था, तो 2 घंटे लगे यहाँ तक। अब इसके बाद हम जाएंगे करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार भी माना गया। एप्पल कंपनी के हिट होने से पहले 1974 में किस्मत से थकार के स्टीव जॉब्स यहाँ दर्शन के लिए आए थे, लेकिन तब तक बाबा जी ने समाधि ले ली। यहाँ से जाने के बाद ही एप्पल कंपनी की ग्रोथ हुई। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी स्टीव जॉब्स के कहने पर बाबा नीम करौली जी के दर्शन के लिए आए। वैसे तो महाराज जी के बहुत से मिरेकल्स हैं, उनमें से एक किस्सा रामदास जी जो की पहले रिचर्ड अल्पर्ट हुआ करते थे, वो बताते हैं की 1943 में महाराज जी फतेहगढ़ आए, जहाँ एक बुजुर्ग दंपति रहते थे और वो नीम करौली बाबा जी के भक्त थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और उनका इकलौता बेटा ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहा था। उस रात महाराज ने उस बुजुर्ग दंपति से बोला कि मैं आज आपके घर पर ही रुकूंगा। उन लोगों ने महाराज के लिए तख्त पर बिस्तर लगाया और ओढ़ने को कंबल भी दिया। रात के करीब 1:30-2 बजे उन लोगों ने महाराज जी के दर्द से कराहने की आवाज सुनी और ऐसा पूरी रात चलता रहा। सुबह नीम करौली बाबा ने जो कंबल ओढ़ रखा था उसे फोल्ड करके उन दंपति को दिया और बोला कि इसे पास की गंगा नदी में प्रवाहित कर और ये ध्यान रखने की तुम्हें इसे खोल कर नहीं देखना। बुजुर्ग दंपति ने ऐसा ही किया और जब वो इसे लेकर नदी की तरफ जा रहे थे तब उन्हें लगा कि इसमें कुछ लोहे का भारी सामान है। जब वो लौट कर आए तो बाबा जी ने बताया कि तुम्हारा बेटा 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा। ठीक 1 महीने के बाद बेटा वापस आया और उसने बताया कि एक रात हमारे ऊपर जापानीज फोर्सेस ने अटैक कर दिया था, भारी गोलीबारी हुई और मेरे सभी साथी मारे गए। पूरे रात चारों तरफ से गोलियां चलती रही, मैं बेहोश होकर गड्ढे में गिर गया। अगले दिन मुझे रेस्क्यू किया गया, मुझे ऐसा लगा कि एक शील्ड मेरे सामने खड़ी थी। और ये वही रात है जब बाबा नीम करौली इस दंपति के घर पर रुके थे और उस कंबल में वो लोहे की चीज रात भर चली गोलियां थी। महाराज ने उनके बेटे पर चली सारी गोलियां अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी गर्मी से महाराज रात। भाई कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, वैसे लग रहा था कि भीड़ है, यो पहले इसमें खुद करूंगा, ये हम खूब सारे तोड़ के ले आए, तोड़ के नहीं रिस्क ले के उठा के ले आए थे। अब तो चलो भाई आगे निकलते हैं, यहाँ पाओ तो कभी दर्शन करके जाना, बहुत बढ़िया है, शांत है बिल्कुल, मन लगता है। अभी एक फ्रेंड मिला था हमारे वहीं का है, वो 2-3 दिन से यहीं रुका हुआ है, तो अब वो भी बता रहा था कि कल सुबह निकलेगा। यहाँ की काफ़ी स्टोरीज हैं, काफ़ी मान्यता है, लोग जो मांगते हैं वो पूरी होती हैं, सबकी मनोकामना। आप भी आओ, आप भी कुछ अपनी जिसकी मन्नत है वो मांगो, पूरी होगी सबकी, भगवान सबकी पूरी करेंगे, हनुमान जी की भगत हैं तो इन्हीं की उससे सब कुछ। काफ़ी इनकी तो ख्याल से काफ़ी पुराना मंदिर है ये, तो हमें तो पता नहीं कितना कितना पुराना होगा विकास जी, हाँ 70 अच्छा 70 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं, लेकिन आज तक हम पहली बार आया हूँ मैं तो। तपस्वी जी हैं, उन्होंने काफी तपस्या की थी हनुमान जी की और इनकी बहुत मानता है। मेरे खुद जानने वाले कोई बिहार से कोई कहीं से उनके ऑफिस में मैंने इनका फोटो लगा हुआ देखा है, तो इनकी मानता तो बहुत है। चलो अब हम भी आगे से आया करेंगे, जब कभी मतलब हमें बुलाएंगे तो हम दोबारा भी आएंगे, अभी निकलते हैं। चलो निकाल ड्राइवर जल्दी आ। ये हमारे पायलट हैं विकास जी, ये आजकल धार्मिक हो रहे हैं, इन्हें नाम ले लिया कई भगवाना का, ले तो उन्हें खांसी की दवाई ले, खांसी में ठीक होगी, पढ़ा मार के बाबा जी ने दे दिया आशीर्वाद।
भाई नम आ गए, नैनीताल पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर रह गया नैनीताल शहर जो है। यहाँ का व्यू बड़ा शानदार है, इतने बादल तो भाई ऊपर भी ना थे, ये देखो नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा है। मतलब यहाँ बैठ के है ना, वो 1-2 घंटा शांति से बैठे रहो तो मज़ा आ जाएगा। अब हम तो यहाँ रुकेंगे नहीं, हम आगे जिम कॉर्पोरेट ही जाएंगे। जिम कॉर्पोरेट में आपका स्वागत है, हम आ गए हैं भाई जिम कॉर्पोरेट में। एंट्री होगी हमारी, अब रह गया हमारा 4 किलोमीटर का रह गया जो रिसोर्ट है वहाँ का। तो रास्ते में देखते हैं कहीं कुछ दिख गया तो बता रहे हैं कि इस टाइम तो नहीं, शायद मेरे ख्याल से 9 बजे के आसपास, अभी 7 बजे हैं तो 9 बजे के आसपास शायद दिख जाए तो दिख जाए। हम दोबारा आएंगे 9 बजे के आसपास, 9:30, तो जब देखेंगे अगर कुछ दिखा। पहुँच गए हैं, सामने है कुछ दिखेगा आपको ऐसा। और बढ़िया भाई यहाँ की भाई पार्किंग पूरा फुल है आज इनका। एक भी रूम नहीं था, एक ही रूम खाली था जिसमें हम आ गए, वो भी हमने बता दी पहले, जो रूम मिल गया ना तो रूम नहीं मिलते यहाँ, बताते हैं पूरे फुल रहते हैं। ये ऊपर था है इसका, ये साइड ये बैक है पार्किंग, फ्रंट से दिखाता हूँ मैं, फ्रंट से भी बहुत बढ़िया। वहाँ बैठेंगे अभी बाहर, डिनर में इनका बहुत बढ़िया खाना भी और ब्रेकफास्ट भी अच्छा बता रहे हैं। तो डिनर तो अभी हमने देखा, अभी तो सूप पिया हमने, सूप तो इनका बहुत स्वाद है। तो अभी खाना खाएंगे थोड़ी बहुत देर में, 8 से 10 खाना चालू हो जाएगा। तो जब मिलते हैं, अभी रूम दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, रूम भी बहुत बढ़िया है इनके। ये भाई अंदर का यहाँ का, ये रिसेप्शन, ये रिसेप्शन है, ये इनका डाइनिंग हॉल, अंदर डिनर है, ब्रेकफास्ट, ये टाइमिंग लिखी हुई है इनकी। गाड़ी की तैयारी हो गई है कि जाड़ की शेर पकड़ना, आज विकास कह रहा है मैं उतरेगा, मैं आज शेर को पीछे डिक्की में डाल के लाऊंगा। सब तो पिछले में डाल लिए, आड़े मारे ना चिपट जाओ, या तो आज शेर आएगा गाड़ी में और मैं भी आऊंगा। चल तू भी आ जीत है, एक हमारे साथ चलेगा। हम लिकट लिए भाई यहाँ, मतलब 5 किलोमीटर का हो जंगल, 5 किलोमीटर पीछे, 4 किलोमीटर आगे, अभी वहाँ निकलेंगे। गाड़ी तैयार है, एक बंदा अंदर गया है, एक यहाँ का अपने रिसोर्ट का ही है, हो जाएगा। पहुँच जाए तो कोई फायदा नहीं है, मतलब ये जो रोड है कोई दिख जाए तो भाई दिख जाए, नहीं तो कहते हैं जंगल सफारी के अंदर भी लोगों को नहीं दिखता कभी कभार, तो किस्मत के ऊपर है, दिख जाए तो ठीक, ना दिखे तो कुछ भी नहीं। हमें तो कुछ दिखा नहीं, हम निकले थे काफ़ी देर तक, हम मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास तक घूमे हैं वहाँ, काफ़ी चक्कर काटे थे गाड़ी के, 1-2 गाड़ी और घूम रही थी, किसी को नहीं दिखा था। तो हम भी वापस आ गए, चलो रूम आपको एक बार मैं, ये हमारे रूम, वॉशरूम है, ये बेड है, इनकी LED ठीक है, एक्स्ट्रा बेड लगाए इन्होंने क्योंकि इनके पास रूम नहीं थे, एक रूम था, एक्स्ट्रा बेड लगा दिए। ये बेड अलमीरा होगी, ये बालकनी होगी, ये इनका व्यू हो गया। सुबह पूल में, ठंड है वैसे, नहाया नहीं जाएगा पूल में, सुबह अपने सीधे घर निकलेंगे। ठीक है, इनका रूम वगैरह सब बढ़िया है, तो आओ तो स्टे कर सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई कुछ हम यहाँ रुके थे रात को, रात को हम आए थे, मेरे ख्याल 7 बजे पहुँचे थे। तो यहाँ पूल वगैरह है, मतलब फैमिली आ सकती है, रिजोर्ट है, और हाँ कुछ लकड़ियाँ वगैरह भी काट के रखी हुई हैं इसमें। हमें रात को कुछ दिखा नहीं, हम काफ़ी घूम के आए थे रात को भी, तो हमें तो कुछ दिखा नहीं। अब तो ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकलेंगे घर पे, यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है विकास जी, दिल्ली से 5 घंटे खिंचाई बिठा है गाड़ी चलाने में। थैंक यू, सही लगा आपने रिसोर्ट। यहाँ पर आप जिम कॉर्बेट में आएंगे, एक तो जंगल सफारी है और उसके अलावा बस रिजोर्ट है, आप शांति की लाइफ, पोल्यूशन फ्री लाइफ यहाँ पर जी सकते हैं अपनी फैमिली के साथ आकर के, 2 दिन लगभग लगा सकते हैं रिजोर्ट में और जंगल सफारी या लोकल साइट सीइंग वगैरह। बस हम ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास निकलेंगे, शाम को पहुँच जाएंगे हम 5 बजे के आसपास मैक्सिमम, लास्ट है 5 बजे, वैसे 4 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। नहीं लंच वगैरह का, रास्ते में खाना,
चलो तो समय गाँव वाले यहाँ रिस्क लेते हैं भाई रह के, यहाँ बताते हैं घरों में भी आ जाते हैं कई बार जानवर, और कहते हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी जानवर के उससे तो उसे गवर्नमेंट एक जॉब देती है, गवर्नमेंट जॉब देती है यहाँ, बस इतना ही करती है किसी भी जानवर के उससे किसी घर में कोई किसी जिंदगी में डेथ होती है तो उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, बस इतना ही करते हैं, बस इससे ज़्यादा करेंगे क्या। और भाई जिसके घर से जाता है उसे ही पता होता है, गांव है इसके साथ में है ये भी। चलो निकलते हैं भाई ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो भाई निकल लिया हम तो यहाँ से, अब घर देखते हैं किस टाइम पहुँचते हैं, ये गार्ड साहब करेंगे आप तो बाय। अच्छा हाँ शो में देखा उसने, हमने उसको कुछ दिया नहीं ना इसलिए वो गुस्से में देखा था। चलो भाई बस ये दिखा भाई इसमें जिम कोर पेट में जो कि ये बैठे घबरा गया डर गया उसने विकास की आवाज सुन ली। हमने विकास भाई और मामा वाला जो अनिल था उसको तो छोड़ दिए था अभी घर पे छोड़ के, फिर सीधे आए अपने घर और दो एक मिनट में पहुंच जाएंगे। मिलते हैं फिर एक अगले ब्लॉग में, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।